उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है पैराग्राफ ब्लॉक। तो पैराग्राफ ब्लॉक के अंदर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उन ऑप्शंस का यूज़ करेंगे। तो पैराग्राफ ब्लॉक के अंदर सबसे पहले क्या दिया हुआ है, बुलेट्स ऑप्शन। तो जिस भी टेक्स्ट में हमें जैसी भी बुलेट्स लगानी है तो उस टेक्स्ट में हम बुलेट्स लगा सकते हैं। तो बुलेट्स लगाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें बुलेट्स लगाना है। तो बुलेट्स टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, बुलेट्स ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये बुलेट्स प्री डिफाइंड पहले से ही डिज़ाइन दी हुई है बुलेट्स की। जैसे भी बुलेट्स हमें यहाँ से लगानी है वैसी बुलेट्स हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ये बुलेट्स लगाई है, अब यदि हमें बुलेट्स को हटाना है, रिमूव करना है, तो उसके लिए हम फिर से इस ऑप्शन में क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये दिया है नन। तो जैसे ही नन में क्लिक करेंगे तो जो भी इसमें बुलेट्स लगी हुई थी वो बुलेट्स हट जाएगी। उसके अलावा यदि हमें इसके अलावा कोई और दूसरी बुलेट्स लगाना है तो उसके लिए हम यहाँ पर बुलेट्स एंड नंबरिंग ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो बुलेट्स एंड नंबरिंग की विंडो ओपन हो जाती है। अब यहाँ पर हम, जैसे मैंने यहाँ से ये वाली बुलेट्स सेलेक्ट कर ली, साइज़ हमें कितना रखना है, यहाँ से हम साइज़ भी अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। बुलेट्स का कलर चेंज करना है तो कलर के लिए हम यहाँ से ये कलर ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पर ये रेड कलर सेलेक्ट किया तो अब ये जो बुलेट्स हैं वो रेड कलर में दिखाई देंगे। इसके अलावा यदि हमें और दूसरी बुलेट्स लगाना है तो पिक्चर बटन में क्लिक करेंगे। अब ये यहाँ से जो भी हमें बुलेट्स लगानी है, जैसे मैंने यहाँ से इस पिक्चर को सिलेक्ट कर लिया, ओके बटन में क्लिक करेंगे तो ये देखो ये वाली बुलेट्स लग गई। बुलेट्स को रिमूव करना है तो नन में क्लिक करेंगे। बुलेट्स को हम दो तरीके से लगा सकते हैं कि एक जो है टेक्स्ट लिख लिया है, टेक्स्ट को लिखने के बाद भी हम बुलेट्स लगा सकते हैं। ये टेक्स्ट को लिखा है उसके बाद हमने बुलेट्स लगाई है, अब इसको ये पूरा हटा देते हैं, नन कर दिया, टेक्स्ट को भी हटा दिया। तो टेक्स्ट को लिखने के बाद हमने बुलेट्स लगाई थी, अब यदि हमें टेक्स्ट को लिखने के पहले बुलेट्स लगाना है तो यहाँ से हम बुलेट्स सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ से ये वाली बुलेट्स सेलेक्ट कर ली, अब हम जो भी टेक्स्ट इसमें लिखेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे तो वो बुलेट्स आगे भी अप्लाई होते जाएगी। तो जैसे हमने बुलेट्स ऑप्शन का यूज़ किया है उसी तरीके से ये नंबरिंग ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हटा देते हैं। तभी हमने ये बुलेट्स ऑप्शन का यूज़ किया था, अब इसमें नंबरिंग का यूज़ करते हैं। ये दिया हुआ है नंबरिंग ऑप्शन, जैसे ही इस ड्रॉप डाउन एरो में क्लिक करते हैं तो ये नंबर्स लगा सकते हैं इसमें। जैसे ये 1, 2, 3 दिया हुआ है, ABCD ये रोमन में दिया हुआ है। तो जैसी भी हमें नंबरिंग लगानी है यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हमें और दूसरी नंबर फॉर्मेट करना है तो यहाँ से हम ये बुलेट्स एंड नंबरिंग में जाएंगे, इसका भी यहाँ से हम साइज़ और कलर इसको चेंज कर सकते हैं। और ये सब चेंज करने के बाद ओके बटन में क्लिक करेंगे तो वैसी ही नंबरिंग यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है डिक्रीज लिस्ट लेवल और इंक्रीज। तो इंक्रीज मतलब क्या होता है, बढ़ना, और डिक्रीज मतलब घटना, कम होना। तो सबसे पहले यदि हमें डिक्रीज ऑप्शन का यूज़ करना है तो उसके पहले हमें यहाँ पे टेक्स्ट को ये इंक्रीज ऑप्शन का यूज़ करना पड़ेगा, इंक्रीज लिस्ट लेवल का। तो जब हम इंक्रीज करेंगे उसके बाद हम इसको डिक्रीज कर सकते हैं। तो इंक्रीज करने के लिए हमें जिस भी टेक्स्ट को इंक्रीज लिस्ट लेवल का यूज़ करना है तो हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और जैसे ही हम यहाँ पर इंक्रीज लिस्ट लेवल में क्लिक करते हैं तो ये टेक्स्ट जो है ये आगे की तरफ दिखाई दे रहा है। मतलब ये जो है अपनी ये मार्जिन हो गई और ये यहाँ से यहाँ तक का ये इंडेंट हो गया, मतलब यहाँ से ये इंक्रीज, यहाँ तक ये इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है। अब इसको डिक्रीज करना है तो डिक्रीज लिस्ट लेवल में डिक्रीज करने के लिए इंडेंट यदि हमें कम करना है तो ये डिक्रीज में क्लिक करेंगे तो ये अब यहाँ से ये कम होने लगा। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर यदि इंक्रीज बढ़ाना है, इंडेंट को बढ़ाना है तो इंक्रीज ऑप्शन में क्लिक करेंगे और कम करना है तो डिक्रीज ऑप्शन में क्लिक करेंगे।
उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है ये लाइन स्पेसिंग ऑप्शन। तो लाइन स्पेसिंग मतलब यहाँ पर क्या होता है, लाइन के बीच में कितना स्पेस रखना है। तो लाइन के बीच का स्पेस यदि हमें सेट करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर लाइन स्पेसिंग ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे हमें जिस भी टेक्स्ट में लाइन स्पेसिंग का यूज़ करना है उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में क्लिक करते हैं। अब ये लाइन के बीच में कितना स्पेस रखना है, जैसे अभी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर कितना सेट है 1.0 किया, तो ये लाइन के बीच का जो स्पेस था वो और बढ़ गया, और यहाँ से हम 2.0 करते हैं तो और ज़्यादा बढ़ गया। तो अपने अकॉर्डिंग हमें जैसा भी लाइन के बीच में स्पेस रखना है वैसा हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर कर देते हैं 1.0। उसके बाद और यहाँ पर ये नीचे दिया हुआ है लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस। तो जैसे हम यहाँ पर लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस में क्लिक करते हैं तो ये पैराग्राफ्स की विंडो ओपन हो जाती हैं। अब यहाँ पर ये दिया हुआ है इंडेंटेशन, ये बिफोर टेक्स्ट, टेक्स्ट के पहले हमें कितना इंडेंट रखना है तो यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। पैराग्राफ के पहले कितना स्पेस देना है, बिफोर और आफ्टर ऑप्शन दिया है। स्पेसिंग में क्या है, बिफोर और आफ्टर। बिफोर मतलब पहले का स्पेस हमें कितना रखना है, तो अपने अकॉर्डिंग हम यहाँ से ये कम ज़्यादा कर सकते हैं। टेक्स्ट के बाद का स्पेस कितना रखना है, तो आफ्टर में हम यहाँ से टेक्स्ट के बीच का स्पेस, हम यहाँ से बाद का स्पेस सेट कर सकते हैं। उसके बाद ये सारा सेट करने के बाद हम ओके बटन में क्लिक करेंगे तो वैसा सेट ये टेक्स्ट में दिखाई देगा। तो ये सब जो हमने सेट किया है वो कहाँ, टेक्स्ट में अप्लाई हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, मतलब जो भी हमारा टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड में अलाइन हो जाएगा, लेफ्ट साइड में दिखेगा। इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस एल। जैसे मैंने अभी इसको कर दिया सेंटर में, अब यदि इसको हमें लेफ्ट अलाइन करना है तो जैसे ही मैं यहाँ से अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो भी टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड में दिखाई देगा। तो इस ऑप्शन में क्लिक करके भी इसका यूज़ कर सकते हैं, या शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एल को प्रेस करके हम टेक्स्ट अलाइन यहाँ पर लेफ्ट को सेट कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर दिया है सेंटर अलाइन, तो सेंटर अलाइन की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस ई। जैसे अभी जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहे हैं, अब यदि हमें इस टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन करना है तो यहाँ पर हम सेंटर अलाइन में क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट जो है सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है ये राइट अलाइन, अलाइन टेक्स्ट राइट, इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस आर। जैसे ही इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो टेक्स्ट है वो राइट साइड में दिखाई देगा, राइट साइड में अलाइन हो जाएगा। वापस इसको हम कर देते हैं यहाँ से अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है जस्टिफाई ऑप्शन। जस्टिफाई ऑप्शन से क्या होता है, जैसे ये लेफ्ट साइड से बराबर दिख रहा है उसी तरीके से यदि हमें राइट साइड से, मतलब दोनों तरीके से यदि हमें बराबर करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर जस्टिफाई ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे ये टेक्स्ट इसमें, इस ऑप्शन में दिख रहा है कि ये लेफ्ट साइड से भी बराबर दिख रहा है और राइट साइड से भी। इस टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट किया, देखो अभी ये टेक्स्ट जो है, जैसे मैंने अभी जो है लेफ्ट अलाइन में दिख रहा है, सेंटर अलाइन करेंगे तो ये सेंटर में आ गया, राइट अलाइन करेंगे तो ये राइट साइड में आ गया। अब यहाँ पर हम जस्टिफाई ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो जैसा लेफ्ट से ये बराबर में दिख रहा है उसी तरीके से ये राइट साइड से भी बराबर में दिखेगा। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कॉलम ऑप्शन। तो टेक्स्ट के बीच में हमें मतलब कितने कॉलम्स रखना है, कितने कॉलम्स का यूज़ करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर कॉलम ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो ये कॉलम ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये दिया हुआ है वन कॉलम। वन कॉलम में जैसे अभी ये पूरा एक कॉलम में है। उसके बाद यदि हम यहाँ से करते हैं टू कॉलम तो ये यहाँ से यहाँ तक का ये वन कॉलम है और ये इतना सेकेंड वाला कॉलम। उसके बाद थ्री कॉलम करना है तो जितने भी कॉलम हमें यहाँ से रखना है तो उतने कॉलम हम यहाँ से ले सकते हैं। यदि इसके अलावा हमें जैसे यहाँ पर थ्री कॉलम्स तक दिए हैं, थ्री कॉलम से यदि हमें ज़्यादा कॉलम्स लाना है तो उसके लिए हम यहाँ पर मोर कॉलम्स में क्लिक करते हैं और यहाँ पर कॉलम्स की विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पर हम कॉलम्स में जितने भी कॉलम्स डालना है यहाँ से ये बढ़ा लेते हैं, और स्पेसिंग कॉलम्स के बीच में हमें स्पेस कितना रखना है वो स्पेस हम यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ओके बटन में क्लिक करेंगे तो उतने कॉलम यहाँ पर अप्लाई हो जाते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर कर देते हैं अभी वन कॉलम और यहाँ पर कर दिया लेफ्ट अलाइनमेंट। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है टेक्स्ट डायरेक्शन ऑप्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन से क्या होता है, टेक्स्ट की डायरेक्शन हमें कैसी रखनी है, तो इसमें हम टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट किया
टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद जैसे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल में तो है ये, अभी हॉरिजॉन्टल में टेक्स्ट दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर यदि हम करते हैं रोटेट ऑल टेक्स्ट 90 डिग्री, मतलब ये जो टेक्स्ट है वो 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा। जैसे ही इस ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो ये देखो 90 डिग्री ये जो टेक्स्ट था वो रोटेट हो गया। उसके बाद यहाँ पर दिया है रोटेट ऑल टेक्स्ट 270 डिग्री, यहाँ पर 270 डिग्री यदि हमें टेक्स्ट को रोटेट करना है तो यहाँ पर रोटेट ऑल टेक्स्ट 270 डिग्री ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो ये 270 डिग्री रोटेट हो गया। स्टैक्ड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये स्टैक्ड में इस तरीके से दिखता है। तो जैसे भी हमें टेक्स्ट की डायरेक्शन को रखना है तो यहाँ से हम टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं हॉरिजॉन्टल। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है नेक्स्ट ऑप्शन अलाइन टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट का अलाइन जो है वो किस तरीके से रखना है। तो यहाँ पर दिया है टॉप मिडिल बॉटम, तो टॉप में क्या होगा जो भी टेक्स्ट है वो टॉप, टॉप मतलब ऊपर की तरफ दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर अभी टॉप में तो है ही, टॉप ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट जो है वो टॉप में दिखाई देगा। मिडिल ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट जो है ये बीचों बीच आ गया, मिडिल में आ गया। उसके बाद थर्ड ऑप्शन क्या दिया है बॉटम, जैसे हम यहाँ से बॉटम ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो जो भी टेक्स्ट है वो सबसे नीचे आ जाएगा। तो अलाइन टेक्स्ट में ये तीन तरीके के अलाइन दिए हुए हैं, टॉप मिडिल बॉटम। टॉप मतलब टेक्स्ट जो है वो सबसे ऊपर दिखाई देगा, मिडिल मतलब बीचों बीच आ जाएगा, और बॉटम मतलब सबसे नीचे, बॉटम मतलब नीचे, तो टेक्स्ट जो है नीचे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया है, वापस इसको हम यहाँ से कर देते हैं अलाइन टेक्स्ट में जाकर इसको कर दिया टॉप। फिर उसके बाद क्या दिया है कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, मतलब जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको यदि हमें स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो इसमें हमें टेक्स्ट में जैसा भी जिस भी तरीके का ग्राफिक्स रखना है तो वैसा ग्राफिक्स हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा भी हमें इस ऑप्शन में कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट का यूज़ करना है तो पहले हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट इस ऑप्शन में क्लिक करेंगे। अब जैसा भी हमें स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स रखना है तो ये यहाँ से हम चेंज कर लेंगे। ये तो देखो ये पिरामिड स्ट्रक्चर में रखा हुआ है, तो इस तरीके से ये ग्राफिक्स जो टेक्स्ट लिखा हुआ था वो ग्राफिक्स में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये डिज़ाइंस और फॉर्मेट टैब ऐड हो जाती है, जो भी इसमें फॉर्मेटिंग करना है और भी शेप ऐड करना है तो ऐड शेप में क्लिक करते हैं। इसके बाद यदि यहाँ पर दिया है ऐड शेप आफ्टर, यदि इसके बाद हमें शेप ऐड करना है तो ऐड शेप आफ्टर में क्लिक करते हैं, और यदि इसके पहले शेप को ऐड करना है तो ऐड शेप बिफोर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। इसका कलर यदि चेंज करना है तो यहाँ पर ये चेंज कलर ऑप्शंस दिया हुआ है, चेंज कलर में जाके हम इसका कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट स्टाइल की यदि हमें इसकी स्टाइल चेंज करनी है तो यहाँ पर ये अलग अलग स्टाइल्स दी हुई है, जैसी भी स्टाइल्स हमें यहाँ से यूज़ करना है तो यहाँ से हम इसकी स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं।